इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई वारदात हुई हैं। इसके बाद सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच के बाद बैटरियों में खामियों को इसकी वजह बताया था। सरकार ने इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों से जवाब भी तलब किया था। आग लगने के मामले को रोकने के लिए सरकार ने ईवी मेकर्स को अक्टूबर से नए सेफ्टी नियमों का पालन करने के लिए कहा है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर वो नियमों को लागू नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को ये सेफ्टी रूल्स चरणबद्ध तरीके से लागू करने चाहिए। कंपनियों का मानना है कि अचानक से इन नियमों को लागू करने की जगह सरकार को इसके लिए एक समय सीमा तय करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हाल ही में ईवी में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए सरकार का इस डेडलाइन से पीछे हटना मुश्किल है। दरअसल जो नए सेफ्टी नियम बने हैं, उनके मुताबिक बैटरी ऑन बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिजाइन, आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा जरूरतें शामिल हैं। इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स के वाहनों में आग लगने के मामले सामने आए थे। इस घटना के बाद से ही सरकार ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को AIS 156 में संशोधन जारी किए हैं। इन संशोधनों में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ एल सेगमेंट यानी चार पहियों से कम के मोटर वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं का प्रावधान किया गया है, जबकि एम श्रेणी यानी यात्रियों को ले जाने वाले और एन सेगमेंट यानी माल और यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिए जरूरतें शामिल हैं। ऐसे में करीब एक महीने की मियाद के साथ लागू किए जाने का आदेश लेकर आए इन नियमों को मानने में इलेक्ट्रिक कंपनियों को मुश्किल पेश आ रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।